यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इन प्रीवियस लेक्चर हमने पिछली एक्सरसाइज को डिस्कस किया था, जिसमें मेनली हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट किए थे, और उसमें मैं एक क्वेश्चन करके दिखाया था आपको, और बाकी जो क्वेश्चन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के सेम एज इट इज है। तो आप उसको खुद करेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। बस आपको A1 A2 B1 B2 लिखना है, और फार्मूला आपका D=E2 - A1 और .B1 × B2 / magnitude of B1 × B2 यही होता है। और इस बेस पर सिर्फ आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन कराया था, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, एक बार उसमें आप ज़रूर पहले चेक कर लें कि जो लाइन है वो कहीं पैरेलल तो नहीं है। अगर लाइन पैरेलल हो जाएगी तो आपको पैरेलल का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आज मैं बात कर रहा हूँ प्लेन की। प्लेन में हम स्टडी करें, क्योंकि मैं पहले ही बताया था 3D में हमें दो पार्ट में स्टडी करना है। फर्स्ट पार्ट है उसका लाइन, सेकेंड पार्ट है प्लेन। तो आज हम प्लेन के बारे में टोटली बात करेंगे। तो प्लेन क्या होता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्लेन की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, उनमें से एक ये है कि प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है जिस पर अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स लो, प्लेन के सरफेस पर दो पॉइंट्स लो, तो आप जानते हो कि दो पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो एक लाइन का फॉर्मेशन होगा। अगर वो दोनों पॉइंट्स आप प्लेन के किसी भी सरफेस पर आप लेते हो और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, तो जो लाइन बनेगी वो लाइन कंप्लीट अगर सरफेस पे लाई कर रही है, कौन सी लाइन, जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन बन रही है, अगर वो कंप्लीट सरफेस पे लाई कर रही है तब वो सरफेस आपका प्लेन होगा। अगर उस लाइन का कुछ भी पार्ट सरफेस से बाहर जा रहा है तो वो सरफेस आपका प्लेन नहीं होगा। ये बात समझ आई आपको? अब जैसे ही हम प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन के नॉर्मल की भी बात होगी। बिना नॉर्मल के हम इसके आगे नहीं पढ़ पाएंगे। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि किसी भी प्लेन से एक परपेंडिकुलर लाइन, क्या, किसी भी प्लेन से एक परपेंडिकुलर लाइन। जैसे मैं ये बना दूं यहाँ पर, ये आपका प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर लाइन में ये ड्रॉ कर दूं, तो ये क्या होगा, इसका नॉर्मल। मैं नॉर्मल वेक्टर लिख दिया, ये आपका प्लेन है। तो इस प्लेन से एक परपेंडिकुलर जो भी लाइन है वो आपकी क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले पढ़ने हैं। मेनली हम 3 कैटेगरीज में प्लेन को डिफाइन करते हैं। पहली कैटेगरी ये होती है आपकी कि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आपको दिया हो और डिस्टेंस ओरिजिन से दी हो, तब हम प्लेन का इक्वेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन ये होती है कि हमें प्लेन की एक पासिंग पॉइंट दी हो, क्या दी हो, एक पासिंग पॉइंट, और प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हो, क्या दिया हो, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर या प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन दी हो, तब भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। और थर्ड वन कंडीशन होती है कि प्लेन की 3 पासिंग पॉइंट दी हो, क्या दिया हो, 3 पासिंग पॉइंट, तब भी हम प्लेन की इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन्हीं 3 कंडीशन को आगे मॉडिफाई करके अलग अलग फिर हम इक्वेशन बनाते हैं। मेन ये 3 कंडीशन है, आप प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हो इन 3 कंडीशन में। तो मैं पहले सब फार्मूले की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली कंडीशन जो आपकी है, नॉर्मल फॉर्म उसको बोलते हैं, क्या, नॉर्मल फॉर्म। या आप अगर इसकी पूरी हेडिंग लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन इट्स नॉर्मल वेक्टर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर गिवेन, ये आपको दिया जाए, तब आपका क्या इक्वेशन होगा। मैं सिर्फ कोई भी डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ फार्मूले मैं लिखूँगा। तो इसको इस तरह से करीब आपका बनेगा कि ये आपका प्लेन है आपका, जैसे ये जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से दी जाएगी। कहाँ से दी जाएगी बेटे, ओरिजिन से। तो ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से आपकी ये डिस्टेंस होगी। जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे, अगर कुछ और मेंशन नहीं है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। तो ये आपकी डिस्टेंस है। और क्या नॉर्मल वेक्टर भी इसी के अलोंग आप लिख सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मल की कंडीशन ये होती है कि वो प्लेन के सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल वेक्टर भी आपका यही है और डिस्टेंस आपकी यहाँ से ये हो गई। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, तो जो, और ये ओरिजिन ओ ए, क्या आपकी हो गई, डिस्टेंस।
तो जो प्लेन का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, आर डॉट एन कैप, क्या आता है यहाँ पे, एन कैप इज इक्वल टू डी, ये है आपका वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, जिसमें आर आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर होता है, एन के बारे में अभी बताया, एंड नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर। आपको क्वेश्चन में नॉर्मल वेक्टर ही दिया जाएगा, आपको यूनिट वेक्टर बनाना है, और ये डी आपकी क्या है, डिस्टेंस है ओरिजिन से नॉर्म प्लेन की। तो ये आपका पहला फॉर्मूला होता है, और इसको कार्टेशियन फॉर्म में हम लिखते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। क्या, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। जो आपकी ये एल एम और एन है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, क्या है, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग नॉर्मल, क्या नॉर्मल के अलोंग क्या है आपकी, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, आपको सिर्फ ये फार्मूला ध्यान पे रखना है, ये आपको नहीं भी याद होगा तो भी काम चल जाएगा। हमें सिर्फ अपने क्वेश्चन को करना है, हमें ये नहीं कि नंबर ऑफ फार्मूले को इनक्रीज करना है। तो यहाँ पे मैं कोई जरूरी नहीं कि दोनों फॉर्म ही लिखवाऊंगा, मैं कुछ फार्मूले के दोनों फॉर्म लिखवाऊंगा, कुछ फार्मूले का एक ही फॉर्म लिखवाऊंगा, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब है। अब सेकेंड फार्मूला आपका ये होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, आपको एक पॉइंट दी जाएगी एंड परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन है, गिवन वेक्टर या गिवन लाइन। मतलब कोई प्लेन आपका ऐसे होगा, ये आपका प्लेन है, किसी पॉइंट से पास कर रहा है, मान लीजिए पॉइंट ए है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया जाएगा एक्स वन वाई वन और जेड वन, और ये किसी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। मैं उस लाइन को भी एन से डिनोट कर रहा हूँ, आप यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ जब ये प्लेन के सरफेस को टच करेगा तब तो ये नॉर्मल बन जाएगा, अदरवाइज अगर ये सरफेस को टच नहीं कर रहा है तो ये सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा नॉर्मल तब होगा जब ये सरफेस को टच करेगा, उस केस में भी हमारा फार्मूला सेम होगा, क्योंकि हमें सिर्फ उस लाइन से मतलब है जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो नॉर्मल भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और मैं ये लाइन आपको दिया, ये भी प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमें सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन से मतलब है, और एक पासिंग पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन वाई वन जेड वन। अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर को मैं स्मॉल ए से डिनोट करूंगा, किसे डिनोट करूंगा, स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है, जो पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल ए। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म है इस इक्वेशन का, वो होगा आपका आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो, ये है आपका। अगर मैं इस नॉर्मल वेक्टर को ये दे दूं कार्टेशियन फॉर्म में, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, क्या ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तब इसके कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन जो होगा वो ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पर जो वेक्टर फॉर्म है, ए पासिंग पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, वेक्टर एन परपेंडिकुलर लाइन, और जो ये ए एक्स माइनस एक्स वन, जो एक्स वन वाई वन जेड वन पासिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ए बी सी परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो, ये आपका सेकेंड फार्मूला है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसपे क्वेश्चन बनते हैं कई। तो ये सेकेंड फार्मूला हो गया, उसके बाद मैं थर्ड फार्मूले की बात करूँगा। जब आपको थ्री पॉइंट्स दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, थ्री पॉइंट्स, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये जो भी होगा नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको तीन दे दिए जाए, जैसे मान लो मैं एक कह दिया x1, y1 और z1, सेकेंड पॉइंट है आपकी x2, y2 और z2,
थर्ड पॉइंट था आपके एक्स थ्री वाई थ्री एंड जेड थ्री, ये दिया हुआ हो, तब आपका प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? इसमें मैं सिर्फ आपको कार्टेशियन फॉर्म बताने वाला हूँ। देखिए क्या होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा, मैं इसमें कंडीशन लगाया हूँ, जो तीनों पॉइंट्स हैं वो नन कोलिनियर होगी। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? कोलिनियर जब पॉइंट्स हो जाएगी तो वहाँ से इनफाइनाइट प्लेन पास करने लगेगा और हम यूनिक प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं। किसका निकालते हैं? यूनिक। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? वहाँ से बहुत सारे प्लेन निकलने लगेंगे तो हम किस किस का इक्वेशन फाइंड करेंगे? इसलिए तीनों पॉइंट्स में क्या कंडीशन होने चाहिए? दे आर नन कोलिनियर। तो इसका देखिए फार्मूला क्या होगा, याद करने का तरीका, आपको एक डिटर्मिनेंट बनानी है। क्या बनानी है? डिटर्मिनेंट। और उसके फर्स्ट रो को आपको एक्स वाई जेड से फिलअप करना है, ध्यान दीजिएगा। अब सेकेंड रो को सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से फिलअप करना, ध्यान से, सेकेंड रो बाई सेकेंड पॉइंट्स एंड थर्ड रो बाई थर्ड पॉइंट्स। आप ऐसे याद करेंगे तो बिल्कुल ये इजी वे में आपको याद हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट रो बाई एक्स वाई जेड, सेकेंड रो बाई सेकेंड पॉइंट्स, थर्ड रो बाई थर्ड पॉइंट्स। अब जो फर्स्ट पॉइंट बच गया, इसको हर जगह से आप माइनस कर दें। माइनस करने का मतलब ये है कि जैसे x1 है तो उसको x से माइनस करेंगे, y1 है तो उसको y से माइनस करेंगे, z1 है तो उसको z से माइनस करेंगे। तो देखिए x1 है तो ऑब्वियसली ये इससे माइनस होगा, यहाँ से माइनस कर दीजिए, और ये y1 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 z1 z1 z1, ये आपका फार्मूला बन गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नन कोलिनियर पॉइंट्स, ये है। अब इसके बाद एक मोस्ट फार्मूला निकल कर आता है कि आपको दो प्लेन का इक्वेशन दिया जाएगा और दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन पूछेगा। दो प्लेन का इक्वेशन दिया जाएगा, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवेन प्लेन। तो हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवेन प्लेन्स। दो प्लेन का इक्वेशन आपको दिया होगा, ठीक है? तो मैं दो प्लेन का इक्वेशन यहां पे लिख देता हूं आपको, r डॉट n1 कैप इज इक्वल टू d1। देखिए दो लिखा है इसलिए मैं n1 d1 लिख रहा हूं, और ये प्लेन आपका फर्स्ट है p1, और सेकेंड प्लेन मैं दे देता हूं p2, r डॉट n2 कैप इज इक्वल टू d2। ये है दो प्लेन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखना। मैं इसका दोनों फॉर्म आपको लिखवाऊंगा, बट जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसके सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म से कराऊंगा, क्योंकि वहां से थोड़ा सा इजी होगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका हो जाएगा, और मैं इसी में इसके वेक्टर फॉर्म, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म भी मैं लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। बुकों में प्लस डी भी दे सकता है आपको, माइनस डी, यहाँ पर कंफ्यूज आप मत हो, आपके ऊपर है कि आप यहाँ प्लस डी लिखते हो या माइनस डी लिखते हो। मैं दो प्लेन लिखूंगा इसलिए यहाँ पे ए वन बी वन सी वन और डी वन कर दिया। सेकेंड प्लेन आपका होगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो, ये है। तो पहले मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, क्या? वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, इक्वेशन ऑफ थर्ड प्लेन विच इज पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पी वन एंड पी टू, जो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास करे, तो उसका इक्वेशन देखिए क्या होगा। आप पहले वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, R डॉट, क्या? R डॉट, ब्रैकेट लगा लीजिए,
पहले वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर, जैसे ये आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ वेक्टर लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे वेक्टर लिखेंगे। एन वन प्लस लैम्डा एन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू, ये है आपका फार्मूला। देखिए आपको सेकेंड प्लेन का जो भी लिखना है उसके पहले आपको बस लैम्डा लगा लेना है। ये थोड़ी सी ट्रिक है। जैसे सेकेंड प्लेन का मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ तो लैम्डा आगे लगा लिया, सेकेंड प्लेन की डिस्टेंस लिख रहा हूँ तो लैम्डा आगे लगा दिया। अब इससे भी इजी होगा इसका कार्टेशियन फॉर्म याद करना। कौन सा फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट प्लेन आप एज इट इज लिख लीजिए। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन एक्सेप्ट जीरो, ये फर्स्ट प्लेन आप लेफ्ट साइड का एजिटेज लिख लीजिए और फिर प्लस लैम्डा टाइम्स। अब आप सेकेंड प्लेन यहाँ पर उतार लीजिए, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो, बस इतना आपको करना है। आप ऐसे भी कह सकते हो फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड प्लेन इज इक्वल टू जीरो। ये चीज है इंटरसेक्शन के केस में कि दो प्लेन आपको दिया जाएगा, थर्ड प्लेन का इक्वेशन पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि जो थर्ड प्लेन है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन है, ये आपके फार्मूले हैं। अभी तक मैं चार लिखा हूँ, और भी कुछ मैं फार्मूले लिखूंगा, अभी आप इनको देख लीजिए और फिर उसके बाद मैं इसको रफ करके और फार्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ और फार्मूले हैं, एक तो आपको कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस और एक फार्मूला है डिस्टेंस का। तो अगर मैं इसमें अगर जगह रहती तो मैं इसी में लिख देता, कोप्लैनरिटी जगह नहीं तो कोई बात नहीं, मैं रफ करके लिख रहा हूँ, इस साइड में रफ कर दे रहा हूँ, जैसे ये है, इतना ऊपर का रफ कर दे रहा हूँ, इतने में आ जाएगा अपना। और एक फार्मूला होता है आपका, जब आपको तीनों इंटरसेप्ट दिए जाएंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, व्हाट इन इंटरसेप्ट फॉर्म, लिख देता हूं मैं पांचवा फार्मूला, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, मीन्स आपको ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, तीनों का इंटरसेप्ट दिया जाएगा। ये है कोई प्लेन है, देखिए वो एक्स पे भी कट कर रहा है, वाई पे भी कट कर रहा है और जेड पे भी कट कर रहा है। तो एक्स पे जो कट कर रहा है वो डिस्टेंस आपकी ए है, वाई पे जो कट कर रहा है वो डिस्टेंस आपकी बी है, और जेड पे जो कट कर रहा है उसकी डिस्टेंस आपकी क्या है, सी। मतलब एक्स का इंटरसेप्ट ए, y का इंटरसेप्ट b और z का इंटरसेप्ट c। तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये इजी है बिल्कुल याद करने का। इस तरह का फार्मूला आप क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे। तो जो x का इंटर उसको ऐसे लिखते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू वन, ये है। मतलब x में x के इंटरसेप्ट से डिवाइड करना है, y में y के इंटरसेप्ट से और z में z के इंटरसेप्ट से। ये प्लेन का फॉर्मूला आपका हो गया जब इंटरसेप्ट्स उसके दिए हों। अब उसके बाद मैं लिखता हूं कंडीशन फॉर कोप्लैनरिटी, कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस। दो लाइन आपको दिए हों और वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हों, तो मैं दो लाइन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दो लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा। और लाइन का इक्वेशन आप बिल्कुल जानते हैं, ए प्लस लैम्डा बी होता है। तो दो लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो लैम्डा ए वन बी वन लिख लिया, एंड आर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू। अब इन अगर ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये कंडीशन आपकी है ए टू माइनस ए वन, वॉट ए टू माइनस ए वन, यहाँ पे डॉट बी वन क्रॉस बी टू इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो, ये है।
ये तो कंडीशन होगी। अब एक लास्ट फार्मूले की मैं बात करूंगा, ए सिक्स हो गया और ये सेवन, कि कोई पॉइंट आपको दिया जाए, क्या दिया जाए, कोई पॉइंट और उस पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस पूछी जाए। तो डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सॉरी लाइन नहीं टू अ प्लेन, आपको किसी पॉइंट से प्लेन के डिस्टेंस दिया जाए। सपोज आपके पास एक कोई पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1, और इसकी डिस्टेंस आपको एक प्लेन से निकालनी है। कहाँ से निकालनी है, प्लेन से, जिस प्लेन का इक्वेशन आपके पास ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू जीरो, ये प्लेन का इक्वेशन और ये पॉइंट दिया हुआ है। इसके भी हमें सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म याद करने हैं, और इसमें मैं जो लिखा है ये सिर्फ आपका वेक्टर, जो मैं जिस फॉर्म में लिखा रहा हूँ उसको उसी फॉर्म में याद करना, आपको आपके लिए इजी होगा क्वेश्चन करने में। तो देखिए ये पॉइंट है और यहाँ से इस प्लेन की डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस जो होगी आपकी, देखिए इसमें डी आया है, तो मैं कुछ डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस हम ऐसे लिख ही देता हूँ कि जो आपका डिस्टेंस बनेगा वो नीचे तो प्लेन का मैग्नीट्यूड आ जाता है, व्हाट नीचे प्लेन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। प्लेन का मैग्नीट्यूड का मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशियंट का स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा मोड में, बस इस कंप्लीट प्लेन में ये पॉइंट आपको रखना है, ये एक्स वन एक्स के जगह पे, वाई वन वाई पे, जेड वन जेड पे, तो क्या हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन और प्लस डी। इसमें आपको एक बात बस ध्यान पर रखनी है कि जो ये कोस्टेंट टर्म है ये लेफ्ट साइड ही होना चाहिए, राइट साइड अगर है तो आप उसको लेफ्ट साइड कर लेंगे, तब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये भी इस तरह का फार्मूला भी आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। और एक मैं लास्ट फार्मूला लिख रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस, फार्मूला नंबर 8, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, व्हाट पैरेलल प्लेन्स, तो दो पैरेलल प्लेन, और ये भी मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में सिर्फ लिखवाऊंगा। पैरेलल का मतलब है उनकी डायरेक्शन रेशियो जस्ट प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आपको फार्मूला अप्लाई करना तो एक कंडीशन इसमें होगी, मैं अभी बताऊंगा आपको, एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस ये डी वन इज इक्वल टू जीरो, फिर ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डे टू इज इक्वल टू जीरो, ये दो प्लेन का इक्वेशन है। देखिए आप ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ तक की वैल्यू बिल्कुल क्या हो, सेम हो। पैरेलल का तो ये भी मतलब है कि भाई सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शनल हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2, 3, 4 है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तब भी वो पैरेलल है, रेशियो 1/2 आ जाएगी। बट हम फार्मूला ये तभी अप्लाई करेंगे जब रेशियो 1 हो, क्या हो, रेशियो 1, अगर रेशियो 1 नहीं है तो पहले हम बनाएंगे रेशियो 1 और फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जो डिस्टेंस इनके बीच की होगी आपको क्या करना है, बस इस कॉन्स्टेंट टर्म को माइनस कर लेना है और मोड लगा लेना, चाहे पहले में से दूसरे को माइनस कीजिए या दूसरे में से पहले को माइनस कीजिए, और नीचे रूट में आ जाएगा इस प्लेन का मैग्नीट्यूड, तो ए बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स वाई जेड के कोफिशियंट का स्क्वायर। तो ये आपके फार्मूले हो गए टोटल 8, इस पे हमें क्वेश्चन को करना है। ये फार्मूले एक बार आप थोड़ा सा याद करेंगे, और ये रटने से याद नहीं होगा, इसको क्वेश्चन में आप जितना यूज करेंगे तब ये याद होगा, और थोड़े से जो मैं ट्रिक हल्का हल्का बताया हूँ वो आप ध्यान रखेंगे। और इस फार्मूले में भी आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों जो ये कोस्टेंट टर्म है या तो दोनों राइट साइड में हो या दोनों लेफ्ट साइड में हो, तब ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि एक फार्मूला तो एक तो कोस्टेंट लेफ्ट में और दूसरा कोस्टेंट राइट में है, आपने लगा दिया d1 - d2 या d2 - d1, तो रॉन्ग हो जाएगा। दोनों सेम साइड होने चाहिए तभी आप अप्लाई करेंगे। तो आप पहले इसको एक बार फार्मूला देखेंगे, इसको एक बार थोड़ा सा लर्न करेंगे, और फिर हम इस पर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराऊँगा मैं आपको, और आप फार्मूले को पहले याद कीजिए। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, और आप फार्मूले याद रखें।